Hi guys, this is Vipul Gupta and you can watch me on Cinespeaks. Cinespeaks में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी स्पेशल ऑप्स में स्पेशली आपको क्या अट्रैक्ट किया. स्पेशल ऑप्स में सब कुछ ही स्पेशल है, बट जो सबसे स्पेशल है हमारे डायरेक्टर साहब नीरज पांडे जी. आई थिंक मैं उनकी राइटिंग का, उनके डायरेक्शन का सबसे बड़ा फ़ैन. मैं ये क्लेम नहीं करता, मुझे पता है कि मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ. तो जब मुझे अप्रोच किया गया वन ऑफ द एजेंट्स, तो बहुत खुश था बिकॉज इट्स अ ड्रीम कम. और आपका कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे हम. देखिए, ये जैसे आप देख रहे हैं कैरेक्टर का नाम बाला है, सबसे हैपनिंग नाम है आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री में. गाने भी बनते हैं, स्टार्स, एक मूवी भी बनी है बाला पे और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है. अल्टीमेटली जिससे जो हमारे एक बड़े सुपरस्टार हैं उन्होंने बाला की वो 200-250 करोड़ लग गई. दूसरे बहुत अच्छे स्टार हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपये की. तो इन बाला का भी ये स्पेशल ऑफ बहुत अच्छा कर जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा. बाला बहुत मल्टी लेयर्ड एक एजेंट है. आपने अगर देखो ट्रेलर तो शेफ भी बना हुआ है, मान ही रहे लोगों को, और बहुत कुछ और भी करा जो मैं बता नहीं सकता. लेकिन जो एक एक्टर को एक फिल्म हीरो को करने के लिए मिलता है, तो मुझे जो मेरे डायरेक्टर साहब ने वो दिया था, तो जो फिल्म हीरो को एक्शन रोमांस तो ठीक है ना, चलो सब कुछ मिला होता है, वो सब कुछ इस कैरेक्टर में. तो आपको जब भी आपने इसके लिए ऑडिशन दिया तो कुछ स्पेशल ऑडिशन हुआ या फिर नॉर्मल ऑडिशन था आपकी बाकी ऑडिशन से? देखिए, दो ऑडिशन हुए इसके लिए. हमारे डायरेक्टर साहब रियली वांट्स प्रिसाइसली जो कैरेक्टर को शूट करें. ऑडिशन काफ़ी इंटेंस थे और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज बहुत बढ़िया प्रोसेस है. जब आपको पता चला ये एक्शन फील्ड बनने वाला है, तो आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली या फिर आपको करनी पड़ी स्पेशल ट्रेनिंग? मैंने ताना जी अभी की, ताना जी वहाँ पर मेन कैरेक्टर्स के लिए कर रहा था, उसमें थोड़ा एक्शन था, बट उसमें मैं दिमाग से खेलता हूँ कि ताना जी की जान से आता हूँ 2-3 बार, और सैफ को उदयवान को फंसाता हूँ क्योंकि सैफ मुझ पर ट्रस्ट करता है. और मैं तो आप देखिए हिस्टोरिकल कर रहा था, 275 करोड़ अभी तक हो चुकी है, और ये कोलोकियल कर रहा हूँ. दोनों में कॉमन था स्केल, तो दोनों का स्केल ही मंगेज था. डायरेक्टर्स ब्रिलियंट, इनका तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, और ओम भाई हैज बीन ब्रिलियंट. इसके लिए एक्शन की मुझे बहुत, मुझे नहीं पता था कि मैं एक्शन में टच में इतना अच्छा हूँ, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्शन किया हुआ मैंने फिल्म्स में भी किया हुआ है, थोड़ा सा तानाजी में भी किया था, और भी कामों में फिल्मों में पहले किया. लेकिन जब इसके लिए किया तो समाओ आपने देखा कि ट्रेलर में 3-4 शॉट्स मेरे एक्शन के डाले गए, बिकॉज सडनली रियलाइज किया कि आई एम रियली गुड एट एक्शन. और तब से आज तक मैंने अपने अंदर वो एक्शन का डिस्कवर किया है, और मैं अभी काफ़ी अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट सीख रहा हूं. आपका जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है और आपका जो ऑफ स्क्रीन रियल सेल्फ है, उससे कुछ मैचेस है, कुछ सिमिलैरिटीज है? मैचेस ये है कि दोनों फलना भी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जब आप देखेंगे तो एक हैपेबिलिटी इस कैरेक्टर में इतनी इमेंस है कि आप सब कुछ ना कहीं से कहीं ना इससे जुड़ेंगे. और देश के प्रति जो एक प्यार और मोहब्बत और जुनून, आई थिंक वो हम सब में है. दैट्स द मोस्ट कॉमन पार्ट. ये जो भी है फिल्म्स बहुत सारे अटैक्स के ऊपर बने हुई है जो एक्चुअली हुई है जी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिक्शनल. तो एक्चुअल जो एक्चुअल में जितने भी अटैक्स हुए उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखद बात होती है अगर कोई भी हमारा हिंदुस्तानी या कोई भी दुनिया में कहीं भी मरता है अटैक से. मेरा बस ये मानना है कि हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है बहुत खूबसूरत है. हम लोग बहुत पीस लविंग है. हम लोग ईद भी बनाते हैं. गणपति मेरे फेवरेट है, भगवान है, मैं तो खैर सबको मानता हूँ, लेकिन गणपति मुझे सबसे ज़्यादा मुंबई वाले एक्साइटेड होते हैं. ईद की बिरयानी भी खाने आते हैं, क्रिसमस का केक तो मैं तो रम केक के पीछे दीवानों पर. तो हमारे सोशल फैब्रिक पर वो एक अच्छा है. आई थिंक उसको अगर कोई हम भी पहुँचाने लगता है, लेकिन पहुँचाने की कोशिश भी करें अगर हम लोग एक रहेंगे, सो आई डोंट थिंक जो कोई भी जीत पाएगा. अनेकता में एकता हमारा सोशल फैब्रिक है. तो आई थिंक जब तक हम एक हैं तो ये कुछ एक आध गिने चुने इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स मैटर नहीं. आपको लगता है कहीं इंडिया जो पीस लविंग है कभी खुद से पहले अटैक नहीं करती, इसी कहीं यही रीज़न है हमारे ऊपर अटैक ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हम लोग पीस लविंग है, एक वो भी सोच है हम लोगों के अंदर, ये भी एज अ हिंदुस्तानी ख्याल तो आता है कि हम लोग वो ठीक है, वो हमारा सोशल फैब्रिक है. हम पीछे खुद बात नहीं करते, लेकिन हम कभी पीछे भी नहीं होते. एक बार हम पे कोई अटैक करता है तो पीछे भी नहीं होते. आई थिंक आज वो न्यू इंडिया थोड़ा सा, वो भी हम अपने क्रिकेट चुपचाप रहते थे,
लेकिन आज की अब टीम देखो तो टिट फॉर टैट करते हैं. एग्जैक्टली. आई थिंक हमारा न्यू इंडिया वो है, लेकिन फिर भी आई थिंक हमारा सोशल फैब्रिक हम बहुत पीस लविंग हो गए. हम लोगों का मन नहीं करता किसी को पहले हम कर. आई थिंक वो हमारी फितरत है. कमिंग बैक टू स्पेशल ऑप्स, अगर आपको एक रीज़न देना हो ऑडियंस को कि वो क्यों देखें ये स्पेशल ऑप्स, तो आप क्या रीज़न दोगे? आई थिंक नीरज पांडे और हमारा स्किल, बिकॉज नीरज पांडे एज ए डायरेक्टर तो काफ़ी माने में है, लेकिन एज अ राइटर आपको अंडरस्टैंड, अगर वो इतनी सिंपल चीज़ें लिखता है, अगर मुझे कोई भी फिल्म देख लें तो बेबी की वो लाइन देख लें, या स्पेशल जब इसकी मेरी उनकी फेवरेट लाइन है, असली पावर दिल में होती है. तो सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन वही ब्यूटी है जो आसान चीज़ों को बोलना ही तो गेम है. तो आई थिंक उनका उनकी वजह से और जो स्केल है, मतलब पांच जगहों पे पांच कंट्रीज में जाकर अगर आप शूट कर रहे हैं, तो हमारे तो बहुत मजे बात की ट्रैवल किया, लेकिन ऑडियंस के लिए भी इट्स अ जॉय राइट. सर आखिर में हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज़ ये देखने के लिए सीरीज. मैं सारे ऑडियंसेस से सिनेस्पीक्स के सारे ऑडियंसेस व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 हॉटस्टार में जाकर हमारी ये जो मेहनत है स्पेशल ऑप्स देखिए. एंड आई अश्योर यू कि इट्स गोना बी अ गेम चेंजर. आप ये कंटेंट देख के खुश होंगे और ऐसे कंटेंट की डिमांड. थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू सर. थैंक यू सो मच.